हाउ वाज द मूवी? कोई वेट कर रहा है मेरे लिए। चलते चलते बात कर लेते हैं, कैसी लगी आपको? मस्त 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 मस्त। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? 3.5। 500 स्टार। आई लव्ड इट। ऐसी फिल्म पहले नहीं बनाई गई है, कभी नहीं बनाई गई है। कंटेंट कितना आपको स्ट्रॉन्ग लगा? मुझे कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, और मैं कहूँगा कि स्पेशली महिलाओं की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है कंपेयर टू, मतलब ऐसा नहीं कि आदमियों की बुरी है, लेकिन द वुमेन इन द मूवी शाइन एब्सोल्युटली। एंड ऐसी फिल्म, इस फिल्म को मैं वेट कर रहा हूँ कि क्रिटिक्स डिस्क्राइब कैसे करेंगे, क्योंकि इस फिल्म को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ पहले बनाया नहीं गया। अच्छा, थैंक यू। आरवन की डायरेक्शन आपको कैसी लगी? मुझे, देखिए मैं तो नॉर्मल व्यूअर, मुझे इतनी समझ नहीं, ये कि डायरेक्शन, और मैं तो आम आदमी हूँ मतलब, लेकिन मुझे मतलब मूवी ग्रिपिंग लगी, अच्छी लगी एज एन ऑडियंस। मुझे मैं उनको कहूँगा कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये फिल्म सिर्फ फिल्म और फिल्म के क्रिटिक्स के बारे में नहीं है, हमारे समाज में क्रिटिसिज्म की क्या जगह है, चाहे वो समाज का क्रिटिसिज्म हो, पॉलिटिक्स का क्रिटिसिज्म हो, धर्म का क्रिटिसिज्म हो, फिल्म का क्रिटिसिज्म हो, क्रिटिसिज्म की क्या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं और क्या कीमत है, वो बताती है फिल्म बहुत खूबसूरत तरीके से। 500 मूवी फिल्म देख कर आ रहे हैं आप? बढ़िया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात सबसे अच्छी लगी? दुलकर सलमान, ऑफ कोर्स आई एम अ बिग दुलकर सलमान फैन। आई हैव सीन लॉट ऑफ मूवीज ऑफ हिज, तमिल में होने दो, तेलुगु जो भी उनके रीजनल में होता है। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, एंड पहले बार उनका मैं साउथ में देख रहा हूँ, सॉरी हिंदी में देख रहा हूँ, एंड उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, एंड इट्स वेरी गुड टू सी एक्टर्स एक्टिंग अक्रॉस लैंग्वेजेस। एनी लूपहोल्स? लूपहोल्स मैं नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो सस्पेंस पार्ट था वो एक्चुअली थोड़ा रिवील हो गया था ऑडियंस को, ऑडियंस को पता चल गया था ओके यही है करके। अगर वो सस्पेंस पार्ट को और थोड़ा जल्दी बता देते थे, या फिर यू नो इफ द फिल्म विल बी कट शॉर्ट लिटिल बिट, तो दैट वुड हैव बीन बेटर। आउट ऑफ 5 स्टार्स तो मैं नहीं देना चाहता हूँ, बट ऑफ कोर्स 3.5। साउथ में कहाँ से हो? कैसी लगी? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, और एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ थिएटर में, और फिल्म बेस फिल्म के ऊपर फिल्म है, तो हम लोग बहुत इससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान भी बहुत आइडेंटिफाई करेगा। सबसे बड़ी बात है वेरी वेल रिटन फिल्म है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, और लीड परफॉर्मेंसेस सबके बहुत अच्छे हैं। सनी देओल इतने कमाल नए रंग में आपको दिखेंगे कि मैं तो एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, खुद उनके साथ फिल्म बना चुका। बोलते रहे सर आप, सनी देओल हैं तो मैं उनको ले रहा हूँ। उनके साथ बहुत सारी फिल्में बना भी चुका हूँ, उन्होंने इतना प्यारा परफॉर्मेंस दिया है। दुलकर सलमान भी आउटस्टैंडिंग है, श्रेया बहुत अच्छी हैं, पूजा भट्ट छोटे से रोल में है लेकिन बहुत अच्छी हैं, और आर बाल्की साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा, थैंक यू सर, यू हैव मेड अ ग्रेट फिल्म एंड इंस्पायर्ड अस। और सारे क्रिटिक्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार देकर फिल्म को
बड़े पर्दे पर लोगों को देखने के लिए प्रेरित किया। देखिए सनी देओल आ गए थे इसलिए मैंने कैमरा उधर घुमाया। नहीं बहुत अच्छा किया, उन्हीं की फिल्म है और उन पे ही कैमरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज फिल्म प्रेस शो या प्रीमियर का एक अलग माहौल था। कुछ किरदार जो फिल्मों में दिख रहे थे या जिनकी बात हो रही थी वो हमारे साथ मेहमान के रूप में थे। एक बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कुछ था, कैसे आप देखते हैं इसे आप? मैं मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे वहीदा जी का आना, जी बहुत अच्छा लगा। वहीदा जी आई और वहीदा जी जिस तरह से ऊपर आई, गुरुदत्त जी के ऊपर पूरी फिल्म का एक बेस भी है, उनको देखना बड़ा प्यारा लगा। और सनी जी को सपोर्ट करने उनके दोनों बेटे भी साथ थे, तीनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डायरेक्टर्स हमारे फ्रेंड्स थे, अनीस बज्मी थे, अनिल शर्मा जी थे, प्रकाश झा जी थे, तो ये सारी फ्रेटर्निटी साथ खड़ी होकर इस फिल्म को देखने का बहुत ही अलग आनंद, एकदम अलग माहौल था, बहुत अलग। चलिए मुझे लगता है पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ इज द मूवी, कैसी लगी आपको फिल्म? आप सबसे बात करते हैं, कैसी लगी सब पूरे यंग बच्चे? वेरी नाइस मूवी, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। आई थिंक बॉलीवुड अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड इनसाइटफुल मूवी। ओके, आपकी सहेली को पूछिए कैसे लगी आपको फिल्म? पहले तो इट वाज रियली सो गुरुदत्त एंड हिज मूवी, सो आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, तो ट्रेलर देख के मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड मूवी देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, रीमेक वीमेक कुछ भी नहीं था, दैट्स व्हाई आई लव इट। आउट ऑफ 5? 4, 3.5, 4। इनको पूछिए आउट ऑफ 5 ये कितना देती हैं? 4। और कोई लूप होल्स आपको लगते हैं कि नहीं? आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोगों को टाइम लगेगा समझने में, बट जब समझ में आने लगेगा तो इट्स रियली वेल डन। सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा आपको फिल्म का जो आप लेकर जा रही हैं? दुलकर का एक्टिंग वेरी गुड, आई थिंक देयर एक्टिंग वाज वेरी वेरी गुड। और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी फिल्म, आई थिंक जो म्यूजिक था उसकी वजह से भी बहुत अच्छा हुआ बैकग्राउंड। थैंक यू। हाउ इज द मूवी? मार्वेलस। मार्वेलस। जया जी को आ रही है, जया जी पीछे आ रही हैं, लेकिन आप बताइए आपको फिल्म? स्माइल नहीं देते, कुछ नहीं करती है। वो मास्क चढ़ाए हुए हैं। Yes. वो तुम लोगों का दर्द नहीं समझती है कि उनका उनकी एक झलक तुम लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है। देखिए मैं आपसे रिव्यू कर रहा हूँ लेकिन पीछे स्टार्स फिल्म देखकर जा रहे हैं, तो मैं विजुअल में उनको भी लूंगा। आप मुझे बताइए फिल्म का रिव्यू करिए आप, कैसी लगी आपको? मैं बोल रही हूँ कि इस फिल्म में बहुत सच्चाई दिखाई है। ये फिल्म क्रिटिक्स के ऊपर है, जो क्रिटिक्स जो अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक ढंग से, मतलब जो नहीं कर रहे हैं, और इसका इफेक्ट जो मतलब होता है ना स्टार्स पे भी होता है। हाँ, आउट ऑफ 5? 10। आउट ऑफ 5 10? कोई लूप होल्स? 10 10। कोई लूप होल्स? पिक्चर थोड़ी डार्क मूवी है। हाँ। लेकिन अगर जिसको फिल्म की समझ है उसको ये फिल्म नंबर 1 लगेगी, A1 लगेगी, और जिसको फिल्म नहीं समझ में है तो सोचेगा ये क्या दिखाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के टॉपिक को लिया है, क्रिटिक्स को लिया है, जो फिल्म को अच्छी और बुरी जिनके ऊपर डिसाइड होकर फिल्म आगे चलती है, तो उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ये फिल्म का मकसद है। लोगों को क्या सलाह देगी फिल्म देखने जाएं क्या करें? मैं वही बोल रही हूँ, सलाह यही दूंगी कि पिक्चर इतनी अच्छी है ना। सनी देओल कैसे लगे आपको? सनी देओल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू, थैंक यू मैम। बाउंसर प्लीज क्लियर। यहाँ पे सर। हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ, दो फिल्में बनाई है, हसीन दिलरुबा और हसीन तो फसीन, विनिल मैथ्यू मेरा नाम है। क्या बात है सर, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत बढ़िया लगी, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है,
स्टोरी एकदम यूनिक है. बाल्की ने थ्रिलर और लव स्टोरी और सस्पेंस सबको सब जॉनर्स को अच्छी तरह से मिक्स किया है और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है. देखिए आज ना फिल्म का मज़ा तो मैं देख रहा हूँ, सबको फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन फिल्म देखने का एक माहौल भी अलग बना था. कुछ चीज़ें जो पर्दे पर चल रही थी वो हमारे आसपास थे, जैसे वहीदा रहमान या गुरुदत्त की बात हो रही थी, तो वहीदा जी उसको बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रही थी, वो भी एक माहौल था. उसकी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली उन्होंने जो कनेक्शन बनाया गुरुदत्त के स्टोरी के साथ और जो उनकी फिल्म थी एकदम मास्टरपीस कागज़ के फूल, जो क्रिटिक्स ने उस टाइम पे उसको बहुत ही मतलब ट्रैश किया था, और वो कनेक्शन के ज़रिए हमें ये जो फिल्म का जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू है जो डायरेक्टर का कि क्रिटिक्स वर्सेस फिल्म मेकर का, उसको इमोशनली अच्छी तरह कनेक्ट कर दिया. तो वो एक इमोशनली जो रेलिवेंट एक कंपैरिजन है वो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. ओके सर, सनी देओल हैं, काफ़ी समय के बाद हम उनको देख रहे हैं. पूजा भट्ट को बहुत लंबे समय के बाद देखा, थोड़ा सा एक दर्शक के तौर पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा उनको देखकर? सनी देओल को तो ऑफकोर्स बहुत रिफ्रेशिंग है कि अलग तरीके के रोल से देखा उनको, पर उनका जो फाइनल जब जंप मारते हैं विंडो से और लैंड करते हैं, तो जो एक्शन हीरो का जो इनका इमेज है वो सब लोगों ने सीटी मारी हॉल पे उस टाइम को उसको देखकर. तो वेरी रिफ्रेशिंग सीइंग सनी देओल इन अ न्यू रोल एंड मज़ा आया. आई एम श्योर ही शुड डू मोर ऑफ दीज रोल्स. पूजा बट ऑफकोर्स अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम प्लेइंग द डॉक्टर, तो अच्छा लगा. थोड़ा नॉन टिपिकल कास्टिंग और फ्रेश बिल्कुल अलग टाइप ऑफ कास्टिंग. श्रेया धनवंतरी और दुलकर सलमान के लिए, हाँ वो दोनों बहुत अच्छे हैं. श्रेया तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, मैं बहुत खुश हूँ श्रेया के लिए कि वो उसको लीड रोल मिला, और दुलकर इज़ ऑलवेज वेरी चार्मिंग एंड जो बहुत चैलेंजिंग रोल है एक किलर और लवर बनने का, दोनों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया, एंटरटेन किया और मज़ेदार किया, और एक हीरो होने हीरो और विलन होने के एक साथ उन्होंने काफ़ी एम्पैथी क्रिएट किया अपने कैरेक्टर के लिए. अंतिम सवाल है, आप फिल्म मेकर भी हैं, क्या आपको लगता है इस फिल्म से बॉलीवुड का एक जो सूखा पड़ा है, जो लोग रूठे हुए हैं या नहीं जा रहे सिनेमा हॉल, वो खत्म होगा? ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस फिल्म के ऊपर, ऐसे सोचेंगे हम लोग. मतलब फिल्म मेकर अपना फिल्म बनाते हैं काफ़ी रीजंस के लिए. आई थिंक कोई भी फिल्म पे ऐसे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये फिल्म आके बॉलीवुड को मतलब यू नो, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं बोल भी नहीं पाऊँगा. मुझे मज़ा आया, मैंने देखा, मैंने इन्जॉय किया, बस उतना ही बोल सकता हूँ. थैंक यू सर. हाउ इज़ द मूवी? मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत छुई नहीं मेरे दिल को, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ मैं. आई डिड इन्जॉय द फर्स्ट हाफ अ लॉट मोर देन आई इन्जॉय द सेकेंड हाफ. फिल्म कुछ पार्ट्स में, कुछ सीक्वेंसेस में बहुत अच्छी है. इट्स वेरी इन आई फेल्ट वेरी इट वॉज इन्वेंटिव, इट वॉज थ्रिलिंग. आई रियली लाइक की बाल्की की डायरेक्शन बहुत टाइम बाद देखने को मिली, 4 साल बाद, तो वो मज़ा आया. पर वो जो मज़ा कुछ सीक्वेंसेस में है वो पूरी फिल्म में नहीं था. फिल्म एक फन राइड प्रॉमिस करती है, विच आई डिडंट फील इट वाज, इट डिडंट गिव मी द थ्रिल्स एंड चिल्स दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. एंड इवन द ड्रामा क्वेश्चन, द इमोशनल कोर ऑफ द फिल्म, आई फाउंड इट क्वाइट वीक. मैं कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ थ्रिलर, बट मुझे इमोशनली भी वो फिल्म टच नहीं करी, विच आई थिंक इज़ अ बिग डाउनर फॉर मी, बिकॉज ये फिल्म बहुत ही इमोशनल. मुझे बताइए फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगता था, जब क्या हो रहा है या क्या चीज? आई थिंक जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है फिल्म की, एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि एक सीक्वेंस चल रही है जो आप शायद प्रिडिक्ट करोगे कि ऐसा होगा, एंड सडनली इट टेक्स अनदर टर्न, जो बाल्की शॉक भी करते हैं, सरप्राइज भी करते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आता है. द फैक्ट दैट यू स्टिल वॉन्ट टू वॉच टिल द एंड, इन द सेंस कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, द वाई ऑफ इट स्टिल कीप्स यू होप. सो वो भी एक अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है. बट जब वो वाई पता चलता है तो वो इट डजंट लीव अ वेरी गुड टेस्ट इन योर माउथ. तो स्टोरी बहुत अच्छी है. आई फील स्टोरी का जो आइडिया है, जो कंसेप्शन, जो एक प्लॉट बोलते हैं, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. पर उस प्लॉट को एग्जीक्यूट करना और एक तरीके से स्क्रीन प्ले में उतारना, वो बहुत वीक लगा. अब मुझे बताइए कि इस फिल्म को लोग सिनेमा हॉल में जाकर देखें, वेट करें छोटे मोबाइल पे देखने का, सही सलाह? मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि जाइए या ना जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब अपने आप डिसाइड करते हैं. मुझे जितना मैंने देखा है, ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया है. एक अलग कहानी को एक्सपीरियंस करना है, बिल्कुल जाइए. 4 अच्छे एक्टर्स हैं,
बाल्की जैसे डायरेक्टर है, राजा सेन जो पहले फिल्म क्रिटिक रह चुके हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो फिल्म क्रिटिक्स को मारता है. तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसे एक्सपीरियंस करना है तो बिल्कुल जाइए. बाकी आप जाना चाहें ना चाहें आपके ऊपर. मेरे दिमाग में थोड़ा सा म्यूजिक रह गया, मैं आपके उसमें भी जानना चाहता हूँ. म्यूजिकली आपको फिल्म कितनी स्ट्रांग लगती है? एक नया प्रयोग भी दिखता है, ऐसा प्रयोग पहले भी हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं वो रहता है क्या? म्यूजिक अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है जो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ है आई थिंक. पर गुरुदत्त के जो फिल्म के गाने थे, कुछ बहुत बेहतरीन नगमे जो आपको सुनाई देंगे, जो आई थिंक बहुत यादें ताज़ा करती है, वो आई थिंक इनिशियली इट फेल्ट इट वॉज ब्यूटिफुली प्लेस्ड. बाद में थोड़ा ओवर यूज लगा मुझे. मुझे लगा कि वो थोड़ा OTT हो रहा है, अब ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है. सो या आउट ऑफ 5 इस फिल्म को स्टार नहीं दूंगी मैं, क्योंकि इस फिल्म को जो स्टार देता है वो सब क्या होता है वो तो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा. तो स्टार तो मैं नहीं दूंगी, बट मैं कहूँगी इट्स अ यूनिक अटेम्प्ट, बट शुड हैव बीन डन बेटर. थैंक यू. मुझे लग रहा था वो फिल्म अच्छी निकलने वाली है. But the promo was damn good. The promo was very Achha. She knows her job. And apart, all good. Apart from who's playing the psychotic, is he also playing bipolar in the film? I want to watch it. I want to watch the film. I don't know. 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 ये भी पल्लू रिलीज हो गया. हाँ हाँ आज तो थोड़ी शिव आज तो शिव ट्रैवलिंग ओशन पैक वेरी ओशन कश्मीर कट्टू उसमें बैठ के वो और क्या चल रहा है कुछ नहीं अभी सो ब्रेवो फिल्म I had to because Balki sir called me for a special appearance and I couldn't see him. I'm a huge admirer. वो आप लाइन में बोलते हैं तो मैं बोल देता आने के लिए यार इतनी सी तो मुझे कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे फिल्म एवरेज लगी. मुझे लगा कि बहुत ग्रेट आइडिया था, एग्जीक्यूशन मुझे उतना पसंद नहीं आया. आई थिंक फिल्म में बहुत पोटेंशियल था. स्टोरी बहुत ओरिजिनल वॉइस है फिल्म की फॉर श्योर, एक बहुत ही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी है. बट आई जस्ट विश इट वॉज यू नो एन ओरिजिनल फिल्म विद अ सुपर्ब स्क्रीन प्ले थ्रू आउट, जो मुझे नहीं लगा. मुझे लगा एग्जीक्यूशन में फिल्म फॉल्ट करती है. परफॉर्मेंसेज आई थॉट दुलकर श्रेया आई लाइक ऑन स्क्रीन अ लॉट. दुलकर आई फाउंड ओके, लाइक आई थिंक ओके इन पार्ट्स. सनी देओल आई थॉट वॉज नॉट यूटिलाइज्ड. यार आई रियली विश ही वॉज गिवन अ लॉट मोर टू प्ले विद. ही वुड हैव हैड फन बिकॉज इनिशियली आई थॉट दिस इज अ कैरेक्टर इन ऑफ सनी देओल दैट आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो या इट्स एन एवरेज फिल्म फॉर मी, इट डिडंट वर्क थ्रू आउट. आउट ऑफ 5 2 stars. ग्रेट आइडिया, नॉट सो ग्रेट एग्जीक्यूशन. ओके, लोगों को क्या सलाह देंगे? फर्स्ट शो देखा है आपने तो लोगों को सलाह क्या देंगे? प्लीज वॉच इट, लाइक डोंट गो बाय माई रिव्यू, डोंट गिव मी दैट मच इंपॉर्टेंस. प्लीज वॉच इट एंड डिसाइड फॉर योर ओन. हो सकता है मुझे पसंद नहीं आए, बच्चा जो दर्शक देख रहे दे लाइक इट, सो इट डजंट मैटर. दे शुड मेक देयर ओन इंडिपेंडेंट चॉइस. थोड़ी सी म्यूजिक की बात करते हैं. म्यूजिक इज एक्चुअली कुछ नॉस्टैल्जिक भी था, कुछ नया भी. यू नो देयर इज ओनली आई थिंक वन ओरिजिनल सॉन्ग इन द फिल्म बाय अमित एंड स्वानंद किरकिरे. That is nice, but I really like the original. I really like the use of retro songs in the film. The pre-interval sequence or the climax. I think retro songs are बहुत ही smartly used किया गया, and the visuals that come on screen. Please, I think audience should be a surprise for the audience. It's a great. That's a very nice idea. Thank you, sir. Thank you. नेहा और पूजा, आप दोनों ने फिल्म देखी है. लाइट आपके चेहरे पे मैं पीछे से ले रहा हूँ, ये वाली. कैसी लगी? आप दोनों फिल्म का रिव्यू करिए. क्या पसंद आया? फिलहाल चुप देखकर चुप हो गई हूँ.
हाँ मुझे ये कहना होगा कि सिनेमा लवर्स के लिए ठीक है अगर जो फिल्म देखते हैं फिल्म के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं फिल्म मेकिंग जिन्हें की समझ है तो उनके लिए बहुत मतलब एक कहते हैं ना एक स्टडी मटेरियल मिल गया उन्हें और आपको स्पेशली खासकर जो यूथ जो है पुरानी सिनेमा गुरुदत्त उनसे काफ़ी दूर हो गए तो गुरुदत्त के बारे में है तो कहीं ना कहीं वो एक आपके अंदर एक आपको इंट्रीक करेगी कि कौन है कैसी फिल्म थी क्यों कल्ट जो है कागज़ के फूल वो कैसे मतलब फ्लॉप हुई और कैसे वो कल्ट मतलब करार करी गई हाँ ट्रिब्यूट टाइप का है स्पॉइलर मत दो सॉरी बट परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो दुलकर को आप लोग बहुत पसंद करते हो दीवानी है लड़की दुलकर की एक्सप्रेस करते हैं ना वो मतलब दीवानी तो उनकी हर मूवी देख के बन गई हूँ मैं अभी बट ये फिल्म यू कैन नॉट बी दीवानी पाँच में कितने मैं तीन आप? मैं ये कहूँगी कि ये स्टार के बिना ये फिल्म डर गई है चलिए डर गई नहीं मैं डर नहीं रही हूँ नहीं एक्चुअली मैं भी सोच रही थी एनबीटी एनबीटी हमारे स्टार में मैंने स्टार्स देने वाली थी मेरे को जान प्यारी है भाई नो स्टार्स थैंक यू फाइव स्टार्स